मैं अवध विश्वविद्यालय का पढ़ा। ये भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़े और रोजगार के लिए पढ़ रहे हैं ना। इनके पिताजी ने 10 लाख रुपए फूंक दिए पकौड़ा बेचने के लिए। कोई पकौड़े बेचता है उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे कि नहीं मानोगे? मोदी जी कहते हैं युवा पकौड़ा बेचे, आप हम मास्टर्ड किए हुए हैं, डिग्री लिए हुए हैं, पकौड़ा बेचेंगे? हम सब किसान के परिवार से हैं और हमें जिस तरह हमारे परिवार ने पढ़ाया है तो हम पकौड़ा बेचने के लिए पढ़े हैं? आज छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है, हर मुद्दे पर परेशान है। पहली चीज तो वैकेंसी नहीं आ रही है, दूसरी चीज पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो गया तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का चक्कर काटिए। आप बताइए बेरोजगार छात्र कहाँ जाएंगे? राम मंदिर में जाएंगे? हमको बताइए वहाँ रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। हर जगह लोग परेशान हैं, अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं। लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना चाहते हैं मगर ये दमनकारी सरकार हम लोगों को लाठियों से, प्रशासन के माध्यम से डरा के, धमका के, यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, कहते हैं आप उठ जाइए, नहीं आप ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, आप जिंदगी में जेल में सड़ जाओगे। देश संविधान से चलता है, जिनके सरकार में संविधान की प्रंतियां पारी गई हुई, ये सत्ता सरकार बेकार है। हिटलर जैसे करता था वही ये कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी, आज इस देश में युवाओं की आवाज शेर की दहाड़ जैसे पुकार रहे हैं। अब पूरे विश्व पटल पर इस बात को देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जैसा नेता, दूरदर्शी नेता ना तक हुआ है ना होगा।